मैं डॉक्टर रेखा व्यास, लेखिका, कवयित्री, निर्माता, निर्देशक, पर्यावरण विज्ञानी और समाज सेविका, आज इन चित्र या ये कहूँ कि इस चित्र वीथिका को देखने के लिए मैं आई। दो तीन बार जब मैं यहाँ से गई, पता चला कोई प्रदर्शनी नहीं लगी हुई है, तो मैंने बीच में आना कम किया। फिर अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है, तो मैं आई और मैंने ये छाया चित्रों की प्रदर्शनी देखी, वज्रनाभ नटराज महर्षि जी की। कलाकार से भी मैंने भेंट की और चित्रों को, जैसे कि मेरी आदत है, मैं अपने हिसाब से देखती हूँ। पहले जल्दी मैं देखती हूँ और उसके पश्चात जो चित्र पसंद आते हैं उनके सामने, अगर कलाकार मिलते हैं तो बातचीत करती हूँ, पूछती हूँ। यही क्रम आज भी रहा। वैसे तो ये लगता है कि चित्र बनाने से, चित्र खींचना काफी सरल काम है, पर मुझे इस चित्र वीथिका में इस बात की खासियत लगी कि प्रकृति ने जो संपदा हमें दी है, अच्छी प्रकाश व्यवस्था हो, अच्छे कलर टेक्सचर हो, या उनका मिश्रण है, या विशेष रूप से स्थलों को खोज करके फोटोग्राफी करना, वो एक छायाकार की विशेषता होती है। वो इन चित्रों में मुझे काफी दिखाई पड़ी कि इसमें विशेष रूप से जो स्वाभाविक मुद्राएं हैं, स्वाभाविक प्रतिकृति जिसे कहते हैं, वो उभर करके सामने आई है। इसलिए फोटोग्राफर की जो दक्षता है वो इन चित्रों में दिखाई पड़ती है। थीम बेस्ड जो फिल्म कहें, कोई चित्र वीथिका कहें, कोई पुस्तक कहें, या कोई भी प्रारूप कहें कला का, उसमें हम लोग इस बात को देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि जो थीम है वो किस तरह से उभर कर आई है। तो इन चित्रों में भी यदि मैं ये कहूँ कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो आधुनिकता के साथ साथ, विकास के साथ साथ अपना परवान चाहती हैं, उसकी तरफ भी इसमें काफी संकेत मिलते हैं। अगर ऐसा विकास हम करते हैं कि जिसमें हमें उसके बाद में चार गुना खर्च करना पड़े अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, या हमारा अस्तित्व गौण हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल और ऐसा विकास होता है जो विकास कहना मुश्किल होता है। इसीलिए ये दोनों साथ साथ चलते हैं, वो ज्यादा अच्छी स्थिति मानी जाती है। और इस थीम में काफी हद तक जैसे कृषि है, पर्यावरण है, या ये कहें कि जो सृजनात्मकता है सृष्टि की, पृथ्वी की, वो भी इसमें उभर करके आई है। और जैसा कि जीवन का मूल मंत्र मैं कहती हूँ कि व्यक्ति जब तक हो सके श्रम करे, परिश्रम के मोल को कहीं कोई कमतर नहीं आंका जा सकता। कोई ये सोचे कि मुझे श्रमिक मिल रहे हैं कि अरे उनका क्या होगा, उन्हें जो कहाँ मिलेगी, उन्हें रोजगार कहाँ मिलेगा, उनका ये क्या होगा, इसलिए हम काम करवा रहे हैं, स्वयं रुग्ण हो रहे हैं। तो ये भी ये थीम जो है, या ये चित्र है, ये संकेत करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे पर्व त्योहार वगैरह रहे हैं जिनकी हम पर्यावरण संरक्षण के दौरान, या पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत दुनिया को उसका उदाहरण पेश करते रहे हैं। आप किसी भी प्रांत के हैं, कहीं के भी हैं, आप उन उत्सवों को मनाते हैं, तो सबका केंद्रीय भाव, मूल स्वर एक जैसा मिलता है। कमोबेश अंतर आपको उसमें दिखाई पड़ता है, वो भी इन थीमों में है। जैसे वृक्ष पूजन है, वृक्षों को राखी बांधना है, या जैसे उत्तरांचल का ये कहें, या देश के ऐसे ही कई भागों का कॉन्सेप्ट कहें कि किस तरह स्त्रियों ने अपने प्राणों को देकर भी वृक्षों को बचाया है। ऐसा जो हमारा इतिहास है, ऐसी जो हमारी प्रतिदिन की जो क्षमता है, जो हमें पुरानी अपठित महिलाओं में भी बहुत देखने को मिली या मिलती है, वो इन चित्रों में मुझे सघनता से देखने को मिला है। हालांकि ये चित्र व्यक्ति व्यक्तित्व परक भी है, पर एक व्यक्ति भी जो है अपने अंचल का, अपने जो समाज का प्रतिनिधित्व भी करता है, प्रतिनिधि भी होता है, और उसके प्रयत्नों से भी बहुत लोग आगे बढ़ते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वो भी इन चित्रों में
तो रेखा जी ये बताइए कि दर्शकों को इस प्रदर्शनी से क्या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो फोटोग्राफर है उसने क्या संदेश देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अब देखिए ये तो वही सवाल है जिसका उत्तर भी आपके पास ही है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रकृति को किस तरीके से इस सृष्टि को अधिकाधिक समृद्ध बनाने के लिए बचाया जाए, बचाना चाहिए, और किस तरह हमारे पूर्वजों ने बचाई है इस सृष्टि की उर्वरा शक्ति को, इस सृष्टि के तमाम गुणों को, वो इन सब में अधिकांश चित्रों में मुझे देखने को मिला है। और जो एक ये कहे कि फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ, वो चित्रकार ने, छायाकार ने इसमें बताने की पूरी चेष्टा की है, और विशेष रूप से जो गहरे और उत्फुल्लतादायी, प्रसन्नतादायी रंग हैं उनका इस्तेमाल किया है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति में या पहले चित्र बना करके उनको और कलर से सजा दिया गया हो, जैसे बहुत पहले हमारी जो फोटोग्राफी है उसके अंतर्गत हमने देखा है कि हमारे चित्र खींच करके जो फोटोग्राफर हैं या अपनी लैब में उन चित्रों को कलर से और अधिक सजाया करते थे, तो वो बात भी मुझे जैसे लगता है कि इनमें इस्तेमाल किया ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि एक रंगीन चित्र प्रदर्शनी है, ये मन को भी प्रसन्नता देती है, और जो चीजें हमारे हाथ से कई कारणों से जैसे निकलती जाती है या निकल सकती है, तो उस तरफ भी संकेत किया है कि हमें अपने पर्यावरण को कितनी मुश्किल से बचाना पड़ता है, बचाते हैं और लोगों ने बचाया है, और उसको बचाने में हर तबके का लाभ ही है, जो गरीब है उनका भी लाभ है और जो समृद्ध है उनका भी लाभ हो सकता है, और जो उपकार परोपकार करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी संपदा हमारे पास है जो हमें बिना श्रम के प्राप्त हुई, तो उसे हम और अधिक सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, अपने जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ उसे समृद्ध बनाएंगे तो हम स्वयं भी बहुत अधिक समृद्ध होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।